नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज 12। यह दुनिया बहुत बड़ी है और जितनी बड़ी है उतनी ही अजीबोगरीब यहां की बातें हैं। आपने लव स्टोरी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या ऐसी लव स्टोरी सुनी है जिसके चलते एक औरत ने एक भिखारी से ही शादी कर ली? जी हाँ, एक पत्नी अपने पति को रोज टिफिन बनाकर दिया करती थी और पति रोज ऑफिस ले जाया करता था। अचंभिक की बात यह है कि पत्नी 3 महीने से लगातार पति को घिया की सब्जी ही बनाकर टिफिन में दिया करती थी और बिना कुछ कहे रोज पति टिफिन खाली लेकर घर पहुंचता था। इस बात से पत्नी बहुत अचंभे में थी कि पति बिना कुछ बोले रोज वही सब्जी खा लेता है और घर पर आकर एक शिकायत तक नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? पत्नी को कुछ शक हुआ और एक दिन उसने अपने पति का पीछा किया तो उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गई। पति की हरकत से पत्नी को जो हैरानी हुई उससे कहीं ज्यादा धक्का तो पति को लगा जब पत्नी ने उसकी हरकत का जवाब दिया। चलिए जानते हैं यह पूरी घटना। एक पत्नी रोज अपने पति को घिया की सब्जी लगातार 2 महीने से टिफिन में रखकर दे रही थी और 3 महीने से लगातार पति अपना टिफिन खाली करते हुए घर पर लेकर आता था बिना किसी शिकायत के। जब पत्नी को वह खाली टिफिन देता था तब पत्नी को शक हुआ और उसका पीछा किया। एक दिन तब पता चला कि वह अपना टिफिन खुद नहीं खाता है, वहां बैठे एक भिखारी को दे देता है। पत्नी को यह बात पता चली और उसने पति को रंगे हाथों पकड़ा और उस दिन वह उस भिखारी से मिली। भिखारी से मिलने के बाद वह भिखारी उस लड़की को पहचान गया था और उसने बचपन की 2-3 शायरियां कही, जिसके बाद प्रकाश नाम के इस भिखारी को उस महिला ने भी पहचान लिया, क्योंकि वह उसके बचपन का प्यार था जो उसकी शादी की वजह से उससे बिछड़ गया था। बस फिर क्या था। और कहते हैं जब बिछड़ा हुआ प्यार मिल जाए तो दुनिया की हर चीज भुलाई जा सकती है। बस उस लड़की ने 2 दिन बाद अपने पति को तलाक दिया और उस भिखारी से शादी कर ली जो उसके बचपन का प्यार था, और दोनों मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने लगे। क्या आपने ऐसा कभी प्यार का किस्सा सुना है जिसमें इतना बड़ा बलिदान देकर महलों में रहने वाली महिला एक मंदिर के बाहर अपने प्रेमी के साथ भीख मांगना शुरू कर देती है? प्यार की वैसे तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होगी, लेकिन यह अनोखी प्रेम कहानी एकदम सच्ची है। यह पूरी घटना उड़ीसा के जबलपुर की है, जहां पर उस लड़की के बिछड़े बचपन के प्यार को देखते ही वह रह नहीं पाया और अपने पति को तलाक देकर उससे शादी कर ली। ऐसा कहा जाता है कि प्यार में बहुत दम होता है, वह हर चीज को भुला देता है, लेकिन इस घटना को देखकर लगता है कि सच में प्यार में बहुत दम होता है जो हर चीज भुला देने और छोड़ देने की ताकत देता है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।